हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम क्लास सिक्स मैथ्स की बुक की का चैप्टर टेन मैंसुरेशन की एक्सरसाइज टेन पॉइंट थ्री का क्वेश्चन एट और नाइन देखने वाले हैं इससे पहले की एक्सरसाइज और चैप्टर्स कंप्लीट हैं आप लोगों को क्लास सिक्स की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेंट क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू हिट सब्सक्राइब बटन क्वेश्चन एट है अ फ्लोर इज फाइव मीटर लॉन्ग एंड फोर मीटर वाइड तो एक फ्लोर है ठीक है मतलब फर्श है जो कि पाँच मीटर तो लंबा है उसकी लंबाई है पाँच मीटर यानी कि लेंथ है फाइव मीटर और उसकी जो विर्थ है विर्थ यानी कि ब्रेथ चौड़ाई है फोर मीटर ठीक है तो यानी कि फ्लोर है तो इस तरीके से होगा हु? तो ये चार मीटर चार मीटर दोनों तरफ क्योंकि दोनों आमने सामने हमेशा बराबर ही होता है इस तरीके से तो ये हो जाएगा हमारा फ्लोर फर्श है ये अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड थ्री मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज़ नॉट कार्पेटेड अब देखो ये जो पूरा का पूरा है ये ये तो पूरा एरिया ऑफ फ्लोर है ठीक है ये जो हम लोगों को दिख रहा है ये पूरे फ्लोर का एरिया है हम्म ये पूरा के पूरे फ्लोर का एरिया है जितना हमें दिख रहा है अब मैं ऐसे करके ठीक है अब हम लोगों को बताया गया है इस फ्लोर के एरिया पर थ्री मीटर का कारपेट डाला गया है यानी कि एक ऐसा कारपेट डाला गया है जिसकी जो चौड़ाई है वो थ्री मीटर है हर तरफ से यानी कि कुछ इस टाइप से ऐसे करके कुछ इसकी चौड़ाई हो hmm. सारी की सारी बराबर है ना तीन तीन है हर तरफ से तो सपोज करो कुछ इस तरीके से होगी हमें बताना है कि कितना एरिया कितना एरिया जो है वो कारपेटेड नहीं है यानी कि कितने एरिया पर कालीन या कारपेट बिछा हुआ नहीं है यानी कि हम लोगों को ये जो कालीन से बचा हुआ एरिया है जिस एरिया पर कालीन बिछा हुआ नहीं है ना वो वाला एरिया हम लोगों को बताना है आया आप लोगों को समझ में कि देखो ये पूरा का पूरा पूरा एरिया था ठीक है इस पर अंदर की तरफ कारपेट बिछा दिया और बाकी बचा हुआ जिस एरिया पर कारपेट नहीं है ना वो वाला एरिया हम लोगों को निकाल करके बताना है तो बाहर जो पूरा का पूरा ये है तो ये तो भाई एक रेक्टेंगल है तो हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ फ्लोर ये फ्लोर पूरा रेक्टेंगुलर है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल है लेंथ इन Breath, एरिया आ गया बाहर वाले का अब कारपेट जो कि अंदर की तरफ बिछाया हुआ है ये एक स्क्वायर है क्योंकि थ्री इंटू थ्री है तो एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट थ्री इंटू थ्री 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 जो नाइन नाइन मीटर स्क्वायर अब हम क्या करेंगे हमें जो ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है ये 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 इधर का निकालना है तो इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा रेक्टेंगल के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे यानी कि एरिया फ्लोर में से एरिया ऑफ कारपेट को हम लोग माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज़ नॉट कारपेटेड इज इक्वल्स टू ट्वेंटी माइनस नाइन यानि कि एरिया ऑफ़ फ्लोर दैट इज़ नॉट कारपेटेड वो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ फ्लोर माइनस एरिया ऑफ कारपेट तो 11 मीटर स्क्वायर तो एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड इज 11 मीटर स्क्वायर होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि बाहर वाला जो रेक्टेंगल है उसमें से इसके स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा जितना एरिया कारपेट से ढका हुआ नहीं है वो आ जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन है फाइव स्क्वायर फ्लार बेड्स ईच ऑफ साइड वन मीटर आर डग ऑन अ पीस ऑफ लैंड फाइव मीटर लॉन्ग एंड फोर मीटर वाइड तो फाइव स्क्वायर फ्लावर बेड है तो इस तरीके से है देखो एक बड़ा सा पीस ऑफ लैंड है इस तरीके से ऐसे करके एक बड़ा स्क्वायर है इस बड़े स्क्वायर की जो लेंथ है वो हमें दे रखी है फाइव मीटर लॉन्ग एंड फोर मीटर वाइड फाइव मीटर ये है और ये है फोर मीटर ठीक है फोर मीटर ये है

इसका एरिया हम लोगों को क्या करना है निकालना है जो एरिया बच गया है यानी कि देखो एक बड़ा था ठीक है रेक्टेंगल उसके अंदर हमने छोटे छोटे पाँच स्क्वायर बना दिए और इन स्क्वायर के अलावा जितना भी बचा हुआ एरिया है उसको हमें बताना है कि कितना बचा है तो एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ फ्लार स्क्वायर बेड यानी कि ये जो है ना छोटे छोटे वाले इनका एरिया निकालना है क्या है वन इंटू वन यानी कि और क्योंकि ये पाँच है, तो area of five square bed कितना हो जाएगा? एक का एरिया है one meter square. पाँच का कितना हो जाएगा वन इंटू फाइव हो जाएगा तो एरिया ऑफ फाइव स्क्वायर बेड इज इक्वल्स टू वन इंटू फाइव यानी कि फाइव मीटर स्क्वायर हो जाएगा तो एरिया ऑफ फाइव स्क्वायर बेड हो जाएगा फाइव मीटर स्क्वायर अब एरिया ऑफ लैंड जो पूरा का पूरा ये है हम लोगों ने ये देखा था ना ये इधर ये फाइव है ये फोर है तो एरिया ऑफ इस टोटल लैंड इस पूरे लैंड का तो फाइव इंटू फोर यानी कि ट्वेंटी मीटर स्क्वायर तो एरिया ऑफ होल लैंड जो ये पूरा का पूरा लैंड है इसका एरिया क्या हो जाएगा इसका एरिया हो जाएगा ट्वेंटी मीटर स्क्वायर तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड बचा हुआ लैंड कितना हो जाएगा एक तो पूरा का पूरा ये रेक्टेंगल है फिर उसके अंदर ये पाँच है रेक्टेंगल में से इन पाँच को माइनस कर दोगे <coughs> तो बचा हुआ ये आ जाएगा तो सिंपल सा है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड एरिया ऑफ लैंड माइनस एरिया ऑफ फाइव स्क्वायर बेड स्क्वायर बेड तो एरिया ऑफ लैंड क्या है एरिया ऑफ लैंड है ट्वेंटी मीटर स्क्वायर ठीक है एरिया ऑफ लैंड है ट्वेंटी मीटर स्क्वायर और बाकी जो ये छोटे छोटे पाँच हैं एरिया ऑफ फाइव स्क्वायर वेट फाइव तो ट्वेंटी में से फाइव को माइनस कर देंगे ट्वेंटी में से फाइव माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा फिफ्टीन मीटर स्क्वायर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड इज फिफ्टीन मीटर स्क्वायर तो बचा हुआ कितना है बचा हुआ जो है वो है फिफ्टीन मीटर स्क्वायर ठीक है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड क्या है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ लैंड माइनस एरिया ऑफ फ़ाइव स्क्वायर बेड एरिया ऑफ लैंड माइनस एरिया ऑफ़ फ़ाइव स्क्वायर बेड तो एरिया ऑफ लैंड ये पूरा है ठीक है और इसके अंदर फिर जो बाकी पांच है उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ट्वेंटी माइनस फाइव यानी कि फिफ्टीन तो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पर क्या करना था माइनस करना था इन पाँच छोटे छोटे वाले एरिया को इस बड़े वाले एरिया में से तो दो क्वेश्चन हमने देख लिया एट और नाइन इसके बाद तीन और बचे हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए थैंक यू